वो जिंदा है, उसका जख्म जिंदा है और वो अपने उसी जख्म के साथ आज भी भटक रहा है। वो अपनी उस पीड़ा के साथ आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपनी मुक्ति के लिए आज भी मंदिर दर मंदिर भटक रहा है, लेकिन इतने सालों बाद भी ना तो उसे उसके दर्द का उपचार मिला और ना मिली मुक्ति, लेकिन समय समय पर उसके होने के संकेत जरूर मिलते रहते हैं। वो संकेत जो आज से 5000 साल पुरानी एक ऐसी घटना का सबूत दे रहे हैं जिसका वर्णन महाभारत की कहानी में भी मिलता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक भयानक श्राप है, एक ऐसा श्राप जिसमें बेहिसाब दर्द है और एक ऐसा दर्द जिससे मुक्ति पाने के लिए एक योद्धा को युगों युगों का सफर करना पड़ा, उसे द्वापर युग से निकलकर कलयुग में भी भटकना पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में कहानी महाभारत के सबसे घातक योद्धा अश्वत्थामा की, जिसके कलयुगी सबूत आपको रहस्य में डाल देंगे। तो अश्वत्थामा के इन रहस्यमय सबूतों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न और पांडवों के सभी बच्चों को सोते हुए ही मार दिया था। यही नहीं, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बेटे पर भी ब्रह्मास्त्र जैसा घातक अस्त्र चला दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस बालक को बचाकर और अश्वत्थामा से उसकी उस दिव्य मणि को छीनकर अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक दर्द में भटकने के लिए छोड़ दिया था। अपने माथे पर उस घाव को लिए अश्वत्थामा आज भी दर्द के साथ उस मणि की तलाश में भटक रहा है। युग बीत गए लेकिन अश्वत्थामा की तलाश खत्म नहीं हुई और आज भी अश्वत्थामा भारत की धरती पर जिंदा है, जिसे अक्सर इस प्राचीन शिव मंदिर में देखने का दावा किया जाता है। ये अत्यंत रहस्यमय शिव मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले में स्थित है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का दावा है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने यहाँ आता है और रात के अंधेरे में गायब हो जाता है, जिसको कुछ लोगों ने छुपकर देखने का दावा भी किया है। इसी प्रकार नरोरा उत्तर प्रदेश परमाणु संयंत्र केंद्र के आसपास के गांव के लोगों ने कई बार अश्वत्थामा के पद चिन्हों को देखने का दावा किया है। इसी प्रकार भारत में कई अन्य जगहों पर भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। यदि आप पौराणिक कथाओं में विश्वास रखते हैं और उसे अपने भारत का इतिहास मानते हैं तो अश्वत्थामा अवश्य जिंदा है। इसके बारे में भले ही कहानियां अलग अलग हो सकती हैं और लोगों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर मौजूद है। वो वनों में भटक रहा है और वो मानव बस्ती में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण का श्राप लगा हुआ है। अश्वत्थामा के मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट यानी नर्मदा नदी के किनारे भी देखे जाने का दावा किया जाता है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा यहाँ अपने माथे से निकल रहे रक्त के दर्द से कराहते हैं तथा अपने घाव के उपचार के लिए स्थानीय लोगों से तेल और हल्दी मांगते हैं। अश्वत्थामा को मध्य प्रदेश के अनेक जंगलों में भी भटकते हुए देखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा को पहचान जाता है वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको अश्वत्थामा के ये कलयुगी सबूत कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।